What is the public? Hello, how are you all? कैसे हो? मजे में ही होंगे क्योंकि अभी बहुत अच्छी चीजें आ रही है। Yes, और आज तो बहुत ही अच्छी चीज आ गई है। आज बहुत टाइम बाद हम वीडियो बना रहे हैं स्टैंड अप पे। Yes. वो भी बहुत टाइम बाद जो हमारा फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन है वो आया है जो है अनुभव भाई, अनुभव सिंह बस्सी जी। छोटा सा ही है, ऐसे 5 मिनट का ही है। अमेरिकन एयरलाइंस ऐसा नाम है। बी अब बस्सी दूसरी चैनल पे आया उनके। ओके, एक्चुअली परसों ही हमारा डिस्कशन हो रहा था कि यार बहुत टाइम से बस्सी जी का वीडियो नहीं आया है। एंड इसने बोला यार अब उनको बोलते हैं जल्दी डाल दो, एंड उन्होंने सुन लिया, डाल दिया। छोटा डाल तो दिया, पर उनको डालना चाहिए यार, कितने अच्छे वीडियो होते हैं भाई। वो यूपीएससी वहां पर है, अभी भी लोग वीडियो देखते हैं। That was epic. UPSC is his personal best. वो सही बात है, बहुत ही ज्यादा कड़क। मुझे दुबई भी अच्छा लगा था वैसे। हाँ, दुबई अच्छा था। I still remember that. इतनी तो बरगी होगी यूपीएससी, पता है यूपीएससी में क्या तेरी कितनी बड़ी, इतनी तो बरगी होगी वो टंकी वाला सीन। हाँ, फिर मोमोज तैर के आ रहे हैं। नाइस क्या था वो कि इतनी तो हम सारों की मिला के स्पीड नहीं है जितनी की स्पीड और कह रही है कि ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अरे यार चलो फिर फटाफट एयरलाइंस नाम है, फटाफट से मजे लेते हैं, है ना। चलो फिर रेडियो भाई लोग, चलो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। लेट्स गो। डिस्क्लेमर है भाई, यहाँ मतलब ऐसे मैं अभी 6 महीने वर्ल्ड टूर पर तो मुझे था कि बीच बीच में ऐसे दिल्ली गुड़गांव में शो कर लेंगे ताकि क्योंकि तुम लोग ठीक लगता है, तुम लोग वो तो आराम से अच्छी तरह से रहते हैं ऐसे। हम मतलब कुछ शहर हैं जहाँ मुझे जाके ना शो करने के बाद 5-6 दिन लग जाते ठीक होने में। एक तो कोई बंदा नॉर्थ से जाता ना, मैं थक गया उन्हीं से जा जाके बता के, कोई बंदा नॉर्थ से आया वो चाय मांगे, उसको चाय दे दो भर के दो, हम शौकीन है चाय के। वो साले इतने बड़े कप में चाय देते हैं। मैं पहली बार कलकत्ता गया, मैंने चाय मांगी, इतने बड़े कप में थी, मैंने पी, मैं चीनी ठीक है दे दे। यही थी, साथ में बिस्किट दिया मैरीगोल्ड। कैसे जाएगा? एक बार उठ के इधर आ जा। इसे इसमें डुबो के दिखा भाई तो। मैंने कोस्टर मांगा तो कोस्टर मांगा। ये कैसी चाय है जो बिस्कुट लग जाए। यूएस भी बहुत ही खराब रहता है, वो तो कलकत्ता से भी खराब लगता है। अरे मैं गया था, मेरे किसी मैनेजर का वीजा लगा, मैं अकेले गया था पिछले टूर करने में। कोई बात नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो मजा ही आएगा। मैं वहाँ लैंड किया, बोर्ड लगा हुआ है सेल ऑन गन्स एंड नाइव्स। मैं मेरठ से बाहर क्यों आया था? 7 समंदर पार सेम ऑफर मिल रहा मुझे। एक तो वहाँ के लोग भी अजीब, वो सामने से आते हैं तो हम जैसे किसी को नमस्ते करते हैं, क्वेश्चन मार्क थोड़ी है नमस्ते लेने लो नहीं, मतलब वो सामने जाते हैं हाउ यू डूइंग बोलते हैं और आंसर नहीं सुनते हैं। 2-3 दिन तो मुझे समझ ही नहीं आया इसका जवाब किसको देना है। फिर एक के पीछे चलते हैं, मैंने कहा सुन मैं खड़ा हूं, 4 दिन का बताना हाउ एम आई डूइंग। इतनी खराब, मैंने पहली बार किसी एयरलाइंस की ऐप डाउनलोड करी थी कि अमेरिकन एयरलाइंस तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बहुत ही बेहतरीन। यहाँ एयर इंडिया के मजाक उड़ाते हैं ना, स्टाफ इनका एजेड है। एक बार मेरे कहने से अमेरिकन एयरलाइंस में चले जाना, वहाँ रिटायरमेंट पॉलिसी ही नहीं है। मैं फ्लाइट में घुसा, इतनी पुरानी औरत खड़ी, प्राचीन बुढ़िया भाई, वो हिली तो मुझे यकीन हुआ ये है राइट ब्रदर्स की मम्मी थी वो। मेरा सूटकेस उठाने लग गई, मैं कहा मेरे नाम लग जाएगी राइट ब्रदर्स। मेरे लिए पानी लेके आई, आ ही नहीं पाई। मैं उठ के गया, मैं कहा पानी लाओ इधर, और बताओ किसे किसे बांटना है। तुम यहाँ बैठो, तुम्हारे घुटनों पर तेल लगाओ, क्या करूं। ऐसी बुद्धू एयरलाइंस। मेरा न्यू जर्सी में शो था, खत्म हुआ, अगले दिन शिकागो जाना था, एयरपोर्ट गए, बैग चेक इन किया, बैठ गए। 2 घंटे फ्लाइट डी लोगे, कोई बात नहीं उड़ेगी उड़ेगी। 2 घंटे तुमका एक बंदा उसने आगे में बोला कि यहाँ से कोई भी फ्लाइट शिकागो के लिए उड़ तो जाएगी पर वहाँ लैंड नहीं कर पाएगी, और चला गया। तो इसका मतलब कौन समझाएगा? ये सोच के किसने टिकट लिया था कि चला आज उड़ा ही देना। शिकागो ऊपर से बहुत बढ़िया लगता है, मैं कहा शो नीचे है, लैंड करना बहुत जरूरी है। कह रहे नहीं वहाँ बहुत तेज हवा चल रही है। ये कैसा बहाना है? हवा अच्छी नहीं होती एरोप्लेन के लिए, इंजन बंद करते चला जाते। हम बाइक नहीं उतारते ढलान पे, ऐसे दबा देते। हमें उड़ाना नहीं आता, पागल मत बनाओ ना हमारा। कह रहे नहीं बहुत तेज हवा चलती है, वहाँ लैंड कराने में बहुत खतरा होता है। मैंने कहा एक फ्लाइट जेट का पायलट ले आ, कोई सा भी ले आ, ऐसा टप्पा खिला के उतारेगा ना, टप्पा वो बुढ़िया जिंदगी हो जाएगी। कह रहे उन्होंने 6 घंटे बाद फ्लाइट कैंसिल कर दी, शो कैंसिल किया, बाहर आ गए। मैंने कहा बैग दे दो, कह रहे बैग भेज दिया शिकागो। बैग वाला फ्लाइट लैंड हो गया। हाउ यू डूइंग? जब कोई फ्लाइट लैंड ही नहीं करी, तुम बैग ऊपर से फेंक दे रहे हो। कौन कैच कर रहा है उन्हें खड़ा होके? कह रहा नहीं ये बहुत बड़ा जहाज न्यूयॉर्क गया था, हमने उसको मोड़ दिया, वो लैंड कर गया। मुझे मोड़ देते हैं, बैग सवारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? वही तो उसका शो था। उसका शो उनसे टूटे-फूटे एक्शन में लड़ाई कर रहा हूं, साइड में एक बंदा रो रहा है, उसका कुत्ता भेज दिया। भाई साहब, ओ भाई साहब, कुत्ते भी डालते उसमें। मेरा तो दुख ही खत्म हो गया, बोलते मेरा दुख ही खत्म हो गया। सूटकेस तो नहीं आ जाएगा, ये क्या सूंघता फिरेगा यार, उसका सूंघता फिरेगा। पेडिग्री लेके खड़ा है, कुत्ता नहीं बेचारा। ओह सोच देखो भाई के कैलगरी में, वाह वाह भाई। यूएस एंड कनाडा टूर था, क्या बात है भाई, एकदम हल्का फुल्का लाइट वीडियो था भाई। इतना छोटा क्यों था ये? हां वही ना, बड़ा होता फुल लेंथ चाहिए हमको। वैसे आ जाएगा अगर ये शो का उसने वीडियो डाला तो इसका, और शायद बड़े उसकी दूसरी चैनल होती है ना, उसमें वो बड़े वीडियोस डालते हैं बस्सी भाई, तो शायद आएगा कुछ तो आएगा। ये सब डाल रहे हैं हर्ष गुजराल, वो सब डाल रहे हैं, इनका भी आना चाहिए, बहुत टाइम से नहीं है बड़ा वीडियो। तो आएगा भाई, ऐसे हिम्मत रखो, जल्दी आ जाएगा। तो एक छोटा सा अमेरिकन एयरलाइंस का वीडियो था, इतना सा। कैसा लगा कमेंट करो, अभी आया 2 घंटे पहले। अरे हम रखेंगे तब थोड़ा ज़्यादा हो टाइम हो जाएगा। अभी हम 2 घंटे पहले कर रहे हैं, समझ रहे हो? समझ गए। तो भाई लोग कैसा लगा? और तो कुछ बोलने के लिए है नहीं हमारे पास अभी। हाँ। तो है ना, मज़ा आया, थोड़ा हंस लिया, अच्छी शुरुआत हो गई हमारी। एक्चुअली यार अच्छा था, है ना, हंस लिया बहुत हो गया। तो भाई लोग कैसा लगा कमेंट करो, और भी कुछ हो तो कमेंट कर लेना। यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बी गुड, यूज, अमीगोस, बाय बाय।